चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सबसे पहले न्यू एपिसोड यहां अपलोड होगा। करिश्मा, अगस्त्या या रोहान में से किसी एक को अपना साथी बनाकर विद्युत को जान से मारने का प्लान बना रही थी। देखा जाए तो रोहान भी कुछ कम नहीं है। उसकी ब्लडलाइन पावर बहुत ताकतवर है और वो डिफेंस करने में भी अच्छा है। उसने अतुल के अटैक से खुद को बड़ी ही बहादुरी से बचाया था। करिश्मा ने रोहान के बारे में सोचते हुए कहा। ये सब कहने के बाद करिश्मा अगस्त्य और रोहान को ढूंढने निकल पड़ी। वो दूर से ही चमकते हुए टोकन्स को देखकर हुबली शहर के प्लेयर्स को ढूंढ सकती थी। अगस्त्य के बैटल पॉइंट्स अतुल से थोड़े ही कम थे। कुछ वक्त बाद करिश्मा जैसे ही अगस्त्य के पास पहुंची तो अगस्त्य उसे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? अगस्त्य इस वक्त खून से लथपथ था। उसके कपड़ों पर दूसरे प्लेयर्स का खून लगा हुआ था। उसने अपने अपोनेंट्स को बड़ी ही बेरहमी से मारा था, यहां तक कि उसने उमर की भी जान ले ली थी। वो अपनी चमकती हुई आंखों से करिश्मा की खूबसूरती को निहार रहा था। अगस्त्य को देखकर करिश्मा को उस पर गुस्सा आने लगा था। अगर इस वक्त कोई और प्लेयर उसे बुरी नजर से देखता तो वो उसे जान से मार देती, लेकिन करिश्मा जानती थी कि उसे अगस्त्य से दुश्मनी मोल लेने के बजाय उससे दोस्ती करने में ज्यादा फायदा होने वाला है। यहां दूसरी तरफ सुरंग के अंदर विद्युत के शरीर के इर्द गिर्द उभरती हुई रोशनी बढ़ती चली जा रही थी। देखते ही देखते विद्युत के माथे पर बना बिजली का निशान चमकने लगा। उसकी चमक पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। विद्युत के शरीर ने नीले पत्थर की सारी ताकत को सोख लिया था, जिसके बाद वो पत्थर टूटकर बिखर गया। एकांच और उसके साथी ने यह सब देखा तो उनके होश उड़ गए। विद्युत को अब अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। वक्त के साथ उसके शरीर में बहुत से बदलाव आए थे। उसकी बॉडी पहले से मस्कुलर हो चुकी थी। विद्युत, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। तुमने कुछ ही दिनों में अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। तुम जल्दी ही पीक लेवल तक पहुंच जाओगे, एकांश ने कहा। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि वक्त की कमी की वजह से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, एकांश आगे बोला। एकांश की बात को सुनकर विद्युत ने कहा, फिलहाल मेरे पास जितना भी वक्त था मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया है। अब हमें मुकाबले के लिए तैयारी करनी चाहिए। इतना कहने के बाद विद्युत नदी से बाहर आ गया। विद्युत पलक झपकते ही उन सबकी आंखों से ओझल हो चुका था। इसकी रफ्तार तो देखो, एकांश के साथी ने हैरान होते हुए कहा। विद्युत की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके साथियों में से कोई भी उसे देख नहीं पाया, और तभी एकांश भी विद्युत के पीछे पीछे चला आया। विद्युत इस वक्त एक पेड़ पर खड़ा आसपास के एरिया को स्कैन कर रहा था। तभी एकांश और उसका साथी भी वहां पहुंच गए। वो देखो, वहां जंगल के आसपास से रोशनी आ रही है। वहां जरूर कोई हुबली शहर का ताकतवर प्लेयर है, एकांश ने कहा। विद्युत ने एकांश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जंगल के उस पार देख रहा था। लगता है वो प्लेयर हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, एकांश ने टोकन की चमक को कुछ देर देखने के बाद कहा। वो एक नहीं बल्कि दो है, विद्युत झट से बोला। अगर हुबली शहर के दो प्लेयर्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, एकांश ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी विद्युत बिल्कुल शांत लग रहा था। लगता है मुझे अब यहां से भाग जाना चाहिए, वरना इस विद्युत के साथ साथ मैं भी अपनी जान गंवा बैठूंगा, एकांश ने मन ही मन कहा। तभी विद्युत ने कहा, तुम दोनों जाकर शिवन्या को प्रोटेक्ट करो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद विद्युत ने गहरी सांस ली। अगर विद्युत अकेला होता तो हुबली शहर के दो ताकतवर प्लेयर्स को देखकर वहां से दूर जा सकता था, लेकिन शिवन्या अब भी सुरंग के अंदर थी और वो जल्द ही एक नए लेवल पर पहुंचने ही वाली थी। विद्युत ऐसे वक्त में उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। विद्युत भी महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका था। वो हुबली शहर के दो ताकतवर प्लेयर्स को रोकने की कोशिश करने वाला था। अगर विद्युत उन्हें रोक नहीं पाया तो शिवन्या महावीर योद्धा बनने का मौका गवा बैठेगी। उसे बस थोड़ा और वक्त चाहिए था। विद्युत को किसी भी तरह से अपने अपोनेंट्स को नदी में जाने से रोकना था। विद्युत, जरा संभल कर, और याद रहे तुम्हें उन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा, वरना शिवन्या को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, एकांश ने विद्युत की तरफ देखा और कहा। अगर एकांश विद्युत की जगह होता तो कब का वहां से भाग गया होता।
उसमें हुबली शहर के दो ताकतवर प्लेयर्स का एक साथ सामना करने की हिम्मत नहीं थी। विद्युत ने एक नजर एकांश की तरफ देखा और नदी के किनारे आकर खड़ा हो गया। जंगल के उस पार दो प्लेयर्स विद्युत की टीम की तरफ बढ़ रहे थे। लगता है विद्युत को हमारे आने की खबर लग चुकी है, रुहान ने धीमी आवाज में कहा। रुहान के जमीन पर पैर रखने से ही जमीन में दरारें पड़ने लगी थी। रुहान, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक अगर अतुल भी विद्युत का साथ दे तो भी हम उसे हरा देंगे, करिश्मा ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। रुहान और करिश्मा एक साथ मिलकर विद्युत पर अटैक करने वाले थे। प्लान के मुताबिक वो सबसे पहले अगस्त्य को ढूंढने गई थी, लेकिन अगस्त्य ने टीम में काम करने से मना कर दिया और करिश्मा से फाइट करने लगा। करिश्मा जैसे तैसे वहां से बचकर रुहान के पास चली गई। उसने रुहान से मदद मांगना सही समझा। शुरुआत में तो जब करिश्मा ने रुहान को एक साथ काम करने के लिए कहा तो रुहान को लगा अगर उसने करिश्मा के साथ हाथ मिलाए तो बाकी सबको उसकी ताकत पर शक होने लगेगा। लेकिन करिश्मा भी कुछ कम नहीं थी। उसने अपनी मीठी मीठी बातों में रुहान को फंसा लिया और तो और उसने वादा भी किया कि वो विद्युत के सारे बैटल पॉइंट्स रुहान को दे देगी। लालच में आकर रुहान भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। अगर रुहान को विद्युत के बैटल पॉइंट्स मिल गए तो वो दूसरे राउंड में नंबर वन प्लेयर की पोजीशन पर पहुंच जाएगा। उन्होंने प्लान बनाया था कि वो दोनों मिलकर विद्युत पर अटैक करेंगे और उसे जान से मार देंगे, लेकिन विद्युत को उनके आने की खबर पहले ही लग चुकी थी। दो ताकतवर प्लेयर्स वो भी एक साथ। अचानक से रुहान और करिश्मा को एक रौबदार आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर रुहान और करिश्मा अपनी जगह पर जम से गए थे। सिर्फ एक अतुल ही था जो रुहान और करिश्मा को हरा सकता था। विद्युत की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, करिश्मा ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। करिश्मा तुम पीछे हट जाओ, इससे मैं अकेला ही निपट लूंगा, रुहान गुस्से से बोला। वैसे तो रुहान और विद्युत के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन करिश्मा के साथ मिलकर फाइट करने का प्लान रुहान को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो दूसरे प्लेयर्स की नजरों में अपना दबदबा कम नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अकेले ही विद्युत को जान से मारकर उसका टोकन ले लेगा। रुहान को आगे बढ़ता हुआ देखकर करिश्मा हड़बड़ाते हुए बोली, तुम उसके जाल में फंस रहे हो, ये सब उसकी चाल है। करिश्मा घबराओ मत, मेरी ब्लड लाइन और डिफेंसिव पावर से मैं इसे हरा दूंगा, तुम्हें इसके बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो बस इसे यहाँ से भागने मत देना, रुहान ने धीमी आवाज में कहा। विद्युत उन्हें बातों में उलझा कर शिवन्या की मदद करना चाह रहा था। करिश्मा जानती थी कि रुहान उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा, ठीक है। करिश्मा को लग रहा था कि रुहान की डिफेंसिव पावर से वो विद्युत को आसानी से हरा देगा। रुहान की लंबाई वहां मौजूद प्लेयर्स में सबसे ज्यादा थी। वो धीरे धीरे विद्युत की तरफ बढ़ने लगा। रुहान विद्युत से कई कदम दूर था, लेकिन फिर भी विद्युत को धीरे धीरे खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा था। रुहान ने बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स पर बहुत काम किया है, विद्युत उसकी मस्कुलर बॉडी की तरफ देखते हुए बोला। वो आसानी से महावीर योद्धा के पीक लेवल पर मौजूद प्लेयर का सामना कर सकता था। विद्युत अच्छी तरह जानता था कि रुहान की डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा है। उसने अतुल के अटैक से खुद को बचा लिया था। विद्युत के अटैक्स का भी उस पर कुछ खास असर नहीं होगा। विद्युत फिलहाल महावीर योद्धा के पीक लेवल पर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन फिर भी शिवन्या के दिए हुए नीले पत्थर से उसकी ताकत बढ़ चुकी थी। विद्युत और रुहान के बीच का फासला धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। 10 कदम की दूरी पर पहुंचकर रुहान ने गुस्से में अपना पैर जमीन पर मारा, जिसकी वजह से जमीन पर एक बड़ा गड्ढा तैयार हो गया और फिर वो हवा में उड़ता हुआ विद्युत की तरफ बढ़ने लगा। रुहान की रफ्तार और ताकत देखकर कुछ पल के लिए विद्युत भी हैरान रह गया था। उसने 10 कदम दूरी से ही विद्युत पर अटैक कर दिया था। वो किसी खूंखार जानवर की तरह लग रहा था जो अपने शिकार को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। विद्युत ने देखा कि रुहान की ताकत की वजह से आसपास के जानवर इधर उधर भागने लगे हैं। पक्षी पेड़ों से दूर जा चुके थे। लाइटनिंग स्ट्राइक, विद्युत ने कहा।
इतना कहने के बाद विद्युत ने जैसे ही हवा में अपना हाथ घुमाया तो बिजली जैसी तेज रोशनी ने रूहान को घेर लिया। विद्युत के अटैक की वजह से आसपास के एरिया में मौजूद छोटे छोटे पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके थे। विद्युत ने इस अटैक को बिजली की विरासत और नीले पत्थर की ताकत को सोखने के बाद तैयार किया था। इसकी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ सकती है? करिश्मा ने हैरान होते हुए कहा। विद्युत के एक अटैक ने आसपास के हिस्से को बहुत नुकसान पहुंचाया था। ये देखकर करिश्मा समझ गई कि विद्युत अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन करिश्मा को फिक्र करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रूहान की डिफेंसिव पावर विद्युत से ज्यादा थी। विद्युत के अटैक से रूहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी धीमे से मुस्कुराता हुआ विद्युत की तरफ ही बढ़ रहा था। देखते ही देखते उसके शरीर के इर्द गिर्द एक पीली रोशनी उभर आई थी। बिजली जैसी रोशनी ने रूहान को जैसे ही छुआ तो उसके हाथ पैर पर जलने का निशान उभर आया, लेकिन तभी विद्युत ने देखा कि उसकी चोट खुद ब खुद ठीक होने लगी है। ये बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स में माहिर है, विद्युत ने कहा। विद्युत जानता था कि उसे हुबली शहर के प्लेयर्स का सामना करने में मुश्किल जरूर आएगी, पर उसने ये नहीं सोचा था कि रूहान इतना ताकतवर होगा। विद्युत ने सोचा था कि वो शिवन्या की मदद करने के साथ साथ अपनी ताकत को भी आजमा लेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? करिश्मा से मुकाबला करने के दौरान तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, रूहान ने हंसते हुए कहा। और फिर वो पूरी रफ्तार से विद्युत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। विद्युत फिलहाल अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ था। वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। रूहान जैसे जैसे विद्युत के नजदीक आने लगा वैसे ही तेज हवाओं का रुख भी बदलने लगा था। तेज हवाओं की वजह से विद्युत के बाल हवा में लहरा रहे थे। विद्युत के माथे पर बना बिजली का निशान भी धीरे धीरे चमकने लगा था, लेकिन तभी विद्युत अपनी जगह से गायब हो गया। कुछ पल के लिए रूहान भी उसे देख नहीं पाया। आखिर ये कहां चला गया? रूहान ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा। विद्युत अचानक से रूहान की आंखों के सामने से गायब हो गया था। रूहान की आंखें विद्युत को इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन तभी किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार किक मारी, जिसकी वजह से रूहान के मुंह से खून निकलने लगा। रूहान हैरान रह गया था। उसके साथ साथ करिश्मा का चेहरा भी देखने लायक था। ऐसा लग रहा था मानो वक्त कुछ पल के लिए थम सा गया हो। विद्युत ने पलक झपकते ही अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए रूहान पर अटैक कर दिया था। विद्युत ने रूहान को एक जोरदार किक मारी, जिसकी वजह से वो कुछ पल के लिए अपने होश खो बैठा था। रूहान ने अपने अपोनेंट को कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका अंजाम वो अभी अभी भुगत चुका था। न जाने अब आगे क्या होने वाला था। क्या करिश्मा रूहान के साथ मिलकर उसकी जान ले लेगी? क्या विद्युत रूहान का सामना कर पाएगा? क्या शिवन्या नए लेवल पर पहुंच पाएगी? क्या हैं इन सब सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें महामानव विद्युत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विद्युत ने अपनी रफ्तार और अदृश्य चोले का इस्तेमाल करते हुए रूहान पर अटैक तो कर दिया था, लेकिन उसकी हालत भी इस वक्त कुछ ठीक नहीं थी। रूहान का शरीर लोहे से कम नहीं था। उस पर वार करने के बाद विद्युत का पैर धीरे धीरे सुन पड़ने लगा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रूहान ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। उसने अपने होठों से खून साफ किया और विद्युत को पंच मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी विद्युत एक बार फिर अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उससे दूर हट गया। अब वो रूहान से 10 कदम दूरी पर जाकर खड़ा हो गया था। भले ही रूहान बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स और डिफेंस में माहिर था, लेकिन उसकी रफ्तार कुछ खास नहीं थी। विद्युत इस वक्त उसे रफ्तार के सहारे हराने की कोशिश कर रहा था। आइस लाइटनिंग मैजेस्टिक फ्लावर टेक्निक, विद्युत ने इतना कहकर हवा में अपना हाथ उठाया तो बर्फ और बिजली की ताकत एक साथ मिल गई। एक तेज रोशनी ने रूहान को घेर लिया था। विद्युत ने अपनी बर्फ की ताकत और बिजली की ताकत को एक साथ जोड़ लिया था, जिसकी वजह से विद्युत के अटैक्स की रफ्तार और ताकत बढ़ चुकी थी। विद्युत के शरीर ने बीते दिनों में नीले पत्थर की ताकत को सोख लिया था। उसकी बिजली की ताकत अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी।
अब मैं अपनी बिजली की ताकत से हुबली शहर के 5 ताकतवर प्लेयर्स का भी सामना आसानी से कर पाऊंगा, विद्युत ने मन ही मन सोचते हुए कहा। विद्युत का अटैक बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर डिफेंस की वजह से रूहान के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। ये देखकर विद्युत ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था मानो रूहान का शरीर पत्थर का बन चुका हो। उस पर विद्युत के किसी अटैक का असर नहीं हो रहा था। तुम्हारा ये अटैक मुझ पर काम नहीं आएगा, रूहान ने हंसते हुए कहा। करिश्मा भी रूहान की ताकत देखकर कुछ पल के लिए दंग रह गई थी। तुम्हें मुझ पर किए हर अटैक की कीमत चुकानी होगी, रूहान ने आगे कहा। इतना कहकर उसने हवा में अपने दोनों हाथ उठाए तो अचानक उसके शरीर के इर्द गिर्द पीले रंग की रोशनी उभर आई। ये देखकर विद्युत ने कहा, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। इससे पहले कि विद्युत कुछ कर पाता, अचानक उसे महसूस हुआ कि वो जमीन की तरफ खींचा चला जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उस पर दबाव डाल रही हो। आह! विद्युत चिल्लाया। वो पलक झपकते ही जमीन पर गिर गया। उसे खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। अब जमीन से उठने के लिए विद्युत को कई गुना ताकत की जरूरत पड़ने वाली थी। रूहान अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इससे ये अपने अपोनेंट की रफ्तार को धीमा कर सकता है, करिश्मा ने कहा। शायद इसी वजह से करिश्मा और रूहान एक साथ मिलकर अतुल को भी हरा सकते थे। रूहान की गुरुत्वाकर्षण ताकत और करिश्मा की बर्फ की ताकत आसानी से ट्रू लॉर्ड रैंक पर मौजूद प्लेयर की जान ले सकते थे। स्टोन शैटरिंग माउंटेन फिस्ट टेक्निक, रूहान ने आगे कहा। उसके इर्द गिर्द छाई पीली रोशनी चमकने लगी थी। तभी विद्युत को महसूस हुआ कि उसके आसपास की जमीन हिलने लगी है। रूहान अपनी इस ताकत से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी हिला सकता था। विद्युत की रफ्तार अब 60-70% धीमी पड़ चुकी थी। विद्युत रूहान के अटैक का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए विद्युत ने बर्फ की आकृति को बुला लिया। वो बर्फ का आदमी विद्युत को प्रोटेक्ट करने वाला था। आइस लाइटनिंग पियर्स टेक्निक, विद्युत इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास के एरिया को जमाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे रूहान विद्युत के नजदीक बढ़ने लगा तो उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लग गई। इसने मेरी टेक्निक को चुरा लिया, करिश्मा अपने दांत मिसमिसाते हुए बोली। विद्युत ने करिश्मा की बर्फ की विरासत से जुड़ी कुछ टेक्निक्स को भी सीख लिया था। करिश्मा अपनी बर्फ की ताकत से एक प्लेयर को बर्फ की तरह जमा सकती थी। वो उन्हें बर्फ की मूर्तियों में तब्दील कर सकती थी। और तो और, उसके अटैक्स की वजह से प्लेयर की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती थी। जैसे जैसे प्लेयर करिश्मा के नजदीक आता, वो बर्फ की मूर्ति में बदलने लगता था। और इस वक्त विद्युत भी कुछ वैसा ही कर रहा था। विद्युत ने करिश्मा की बर्फ की ताकत को अपनी ब्लड लाइन पावर के साथ जोड़ लिया था। विद्युत ने करिश्मा और उसकी बहन शिल्पा की कुछ टेक्निक्स को चुरा लिया था, और ये बात करिश्मा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रूहान जैसे ही विद्युत के नजदीक आया तो विद्युत ने कमल के फूल का सहारा लिया। कमल का फूल उसे प्रोटेक्ट करने लगा था। इसके बाद विद्युत ने अपने अदृश्य चोले का इस्तेमाल किया और वह रूहान की आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो अपने कमल के फूल की मदद से आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहा था। इसके साथ ही उसके अदृश्य चोले की रफ्तार भी बढ़ गई थी। ये अचानक कहां गायब हो गया, रूहान ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी टेक्निक विद्युत की रफ्तार को बहुत धीमा बना देगी। उसे यकीन था कि विद्युत उससे जीत नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे अचानक विद्युत की परछाई नजर आई। उसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। अदृश्य चोले की मदद से विद्युत रूहान पर अटैक तो कर रहा था, पर उसके अटैक्स का रूहान पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था। लगता है मैं नजदीक से रूहान पर अटैक नहीं कर पाऊंगा, विद्युत ने सोचते हुए कहा। उसने आसपास के नजारे को एक बार फिर से स्कैन किया और अपने मन में एक प्लान बनाने लगा। विद्युत ने फैसला कर लिया था कि वो अब रूहान पर दूर से अटैक करेगा। इसके लिए उसने अपना खास हथियार यानी कि तीर कमान निकाल लिया, जिसे खास तौर से दूर मौजूद टारगेट पर निशाना लगाने के लिए बनाया गया था। रूहान भी अपनी कमजोरी अच्छी तरह से जानता था। विद्युत ने जैसे ही अपना तीर कमान निकाला तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो दूर रहकर प्लेयर्स का आसानी से सामना नहीं कर सकता था। विद्युत ने भी बड़ी चालाकी से रूहान की कमजोरी को पकड़ लिया था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, रूहान ने मन ही मन कहा, और अचानक वो विद्युत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा।
रुआन हुबली शहर के ताकतवर प्लेयर्स में से एक था। उसकी रफ्तार भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन विद्युत अपने अदृश्य चोले की मदद से रफ्तार के मामले में उसे मात दे सकता था। पर रुहान के अटैक की वजह से उसकी रफ्तार इस वक्त धीमी पड़ गई थी, इसलिए विद्युत ने फैसला किया कि वो दूर रहकर ही रुहान पर वार करेगा। आई ऑफ आई सोल टेक्निक, विद्युत ने कहा। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी आंखों से एक चमकदार नीली रोशनी निकल रही थी। विद्युत ने रुहान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस पर अटैक कर दिया था। विद्युत के अटैक की वजह से रुहान को ठंड महसूस होने लगी थी। उसके दिल की धड़कनें भी थमती जा रही थी। रुहान को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी बर्फीले मैदान में आ पहुंचा हो। धीरे धीरे उसका दिमाग भी सुन पड़ता जा रहा था। विद्युत ने बड़ी ही आसानी से उसके दिल और दिमाग पर अटैक किया था। भले ही रुहान की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, पर वो विद्युत की मेंटल एनर्जी अटैक्स के सामने नहीं टिक सकता था। देखते ही देखते रुहान की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। विद्युत मुस्कुराते हुए रुहान को ही देख रहा था। भले ही विद्युत के इस अटैक का करिश्मा पर कोई असर नहीं होने वाला था, पर रुहान उसके इस अटैक से नहीं बच सकता था। रुहान को विद्युत पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अफसोस वो कुछ कर नहीं सकता था। उसका शरीर धीरे धीरे जमने लगा था। विद्युत ने मौका देखकर अपना तीर कमान उठाया और रुहान पर अटैक कर दिया। तीर सीधा रुहान के घुटने पर जाकर लगा। रुहान दर्द से करहाते हुए इधर उधर हिलने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस उसका शरीर बर्फ की वजह से जमने लगा था। विद्युत की बर्फ की ताकत की वजह से रुहान की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। इसके साथ ही उसकी बिजली की ताकत ने रुहान के शरीर को सुन कर दिया था। विद्युत के हर तीर के साथ रुहान का शरीर बर्फ की मूर्ति में बदलता जा रहा था। अब विद्युत अपने नए तीर कमान की मदद से खुद से ताकतवर प्लेयर्स का सामना भी कर सकता था। विद्युत लगातार अपनी आई ऑफ आई सोल टेक्निक से रुहान पर अटैक करता चला जा रहा था। ये एक मेंटल एनर्जी अटैक था। विद्युत हाल ही में अपनी मेंटल एनर्जी पर काम करके आया था, जिसकी वजह से वो आसानी से रुहान पर अटैक कर सकता था। करीब आधे घंटे बाद रुहान का शरीर इतना जकड़ गया कि वो किसी जिंदा लाश की तरह लगने लगा। वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश में लगा हुआ था, पर अफसोस वो चाहकर भी विद्युत के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा था। विद्युत बिना रुके रुहान के पैरों पर ही अटैक कर रहा था। भले ही रुहान की डिफेंसिव पावर विद्युत से कई गुना ज्यादा थी, पर विद्युत के लगातार अटैक्स की वजह से रुहान खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया। ये सब देखकर करिश्मा हैरान रह गई थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था। उसने सोचा नहीं था कि विद्युत रुहान का सामना कर पाएगा। करिश्मा के हिसाब से अगर कोई रुहान को टक्कर दे सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ अतुल था। विद्युत और रुहान के बीच होती हुई दमदार फाइट के बारे में सुनने के बाद बहुत से प्लेयर्स नदी के किनारे इकट्ठा हो चुके थे। इसके अलावा ऑडियंस और जजेस भी ये सब देख रहे थे। अगस्त्य ने जब विद्युत और रुहान को एक साथ फाइट करते हुए देखा तो वो भी वहां पहुंच गया। मैं दूर से छुप कर इन दोनों को फाइट करता हुआ देखूंगा। एक बार ये दोनों घायल हो जाए उसके बाद मैं मौके का फायदा उठाकर इन दोनों को ही जान से मार दूंगा, अगस्त्य ने मन ही मन सोचते हुए कहा। अगस्त्य करिश्मा का साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ था, लेकिन उसकी नजरें करिश्मा पर ही थी। वो बहुत वक्त से उन पर नजर रखे हुए था। लगता है रुहान बर्फ की मूर्ति में बदल चुका है, अब ये फाइट नहीं कर पाएगा, अगस्त्य ने सोचते हुए मन ही मन कहा। विद्युत के तीर कमान की अटैक की वजह से रुहान कमजोर पड़ने लगा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो एक ताकतवर प्लेयर था, पर इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो विद्युत के नजदीक नहीं जा पा रहा था। वक्त बीतने के साथ साथ विद्युत के मेंटल एनर्जी अटैक्स की वजह से रुहान के दिमाग पर गहरी चोट पहुंचने लगी थी। अगर रुहान ने इस वक्त गले में क्रिस्टल से बना पेंडेंट नहीं पहना होता तो उसके दिमाग पर विद्युत के मेंटल एनर्जी अटैक का बहुत बुरा असर पड़ता। पर उसकी अकेडमी के हेड ने पहले ही उसकी कमजोरी को भांपते हुए उसे ये क्रिस्टल दे दिया था। विद्युत, विद्युत, अचानक ऑडियंस जोर जोर से विद्युत का नाम पुकारने लगी। शाबाश, ये एक होनहार प्लेयर है और ये हुबली शहर के 5 ताकतवर प्लेयर्स में आसानी से शामिल हो सकता है, एक प्लेयर ने कहा। ये सुनकर दूसरा प्लेयर झट से बोला,
विद्युत की ताकत पहले से बढ़ चुकी है। पहले राउंड में करिश्मा से फाइट के दौरान उनका मैच ड्रॉ हो चुका था, लेकिन लगता है इस बार ये रूहान को हरा कर ही मानेगा। कॉम्पिटिशन की शुरुआत से एक मामूली और अनजान प्लेयर ने अपनी सूझबूझ, समझदारी और ताकत की वजह से हुबली शहर के 5 ताकतवर प्लेयर्स को टक्कर देना शुरू कर दिया था। विद्युत, मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये बात फ्यूचर वॉरियर्स एकेडमी जाकर सबको बताऊंगा। करणवीर सर ये सुनकर बहुत खुश होंगे, प्रभास ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। वो इस वक्त बहुत खुश लग रहा था। विद्युत एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका है, शायद ये वापस आकर हमारी मदद कर सकता है, प्रभास कुछ देर सोचने के बाद बोला। विद्युत को देखने के बाद उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई थी। गोल्डन स्टेज पर मौजूद जजेस भी एक्साइटमेंट के साथ विद्युत और रूहान के बीच का मुकाबला देख रहे थे। विद्युत टॉप 5 प्लेयर्स की लिस्ट में आने के लायक है। फिलहाल विद्युत हुबली शहर के 5 प्लेयर्स के बाद 6 नंबर पर आता है। क्या विद्युत के बाद भी कोई ऐसा प्लेयर है जो हुबली शहर के प्लेयर्स को टक्कर दे सके? जज की कुर्सी पर बैठी एक औरत ने कहा। विद्युत और रूहान की ताकत में फर्क है, पर विद्युत अपने अपोनेंट की कमजोरी को भांप कर उसका फायदा उठाता है, दूसरे जज ने कहा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक और जज ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। न जाने अब आगे क्या होने वाला था। क्या रूहान विद्युत से हार जाएगा, या फिर करिश्मा और रूहान मिलकर विद्युत को कंपटीशन से बाहर कर देंगे? क्या विद्युत हुबली शहर के प्लेयर्स से बच पाएगा? क्या वो तीसरे राउंड तक पहुंच पाएगा? क्या शिवन्या महावीर योद्धा के मुकाम पर पहुंच पाएगी? क्या है इन सब सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें महामानव विद्युत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। विद्युत को फाइट करता हुआ देखकर जजेस आपस में बातें कर रहे थे। विद्युत हर बार हर प्लेयर में कोई ना कोई खामी ढूंढकर उसे मात दे रहा है, एक जज झट से बोला। मुझे डर है कि कहीं इस फाइट के दौरान विद्युत के लगातार अटैक की वजह से रूहान के पैरों को ज्यादा नुकसान ना हो, मेन जज ने परेशान होते हुए कहा। रूहान हुबली शहर के लिए बहुत मायने रखता था, वो फ्यूचर में उनके बहुत काम आ सकता था, पर अगर विद्युत लगातार उसके पैरों पर अटैक करता रहा तो शायद वो फ्यूचर में कभी ठीक से खड़ा भी ना हो पाए। विद्युत को अपने अपोनेंट की कमजोरी का पता चल चुका था, वो पीछे हटने वाला नहीं था। विद्युत के मेंटल एनर्जी अटैक की वजह से रूहान के दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा था, उसकी रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी। लगातार पैरों पर अटैक करने की वजह से रूहान की रफ्तार कछुए जितनी धीमी हो चुकी थी। अब विद्युत रूहान पर नजदीक से भी अटैक कर सकता था। विद्युत, तुम हुबली शहर के प्लेयर से पंगा लेकर ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, करिश्मा ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। उसे विद्युत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका बस चलता तो वो विद्युत की जान लेने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती। तभी वो भागती हुई विद्युत की तरफ बढ़ने लगी। रूहान ने करिश्मा को उसकी और विद्युत की फाइट में दखल अंदाजी करने से मना किया था, लेकिन अब वो ये सब और नहीं देख सकती थी। बहुत देर हो चुकी है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, विद्युत ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने अपने तीर कमान को एक तरफ रख दिया। लाइटनिंग फायर गॉड आई टेक्निक, विद्युत बोला। उसकी नजरें इस वक्त रूहान पर ही टिकी हुई थी। विद्युत को अटैक करता हुआ देखकर जज ऊंची आवाज में बोला, नहीं रुको, ऐसा मत करो। सब जानते थे कि विद्युत का ये अटैक रूहान पर भारी पड़ सकता है, लेकिन कोई भी जज दूसरे राउंड में दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। उन सबके हाथ बंधे हुए थे। ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन के दूसरे राउंड की डोर अब उनके हाथों में नहीं थी। यहाँ कोई भी प्लेयर किसी की भी जान ले रहा था। रूहान के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, वो इस वक्त खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। रूहान की हालत पहले ही इतनी खराब हो चुकी थी कि वो विद्युत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तभी विद्युत ने करिश्मा की तरफ देखा और अपनी टेक्निक से रूहान पर नहीं बल्कि करिश्मा पर अटैक कर दिया। बेचारी करिश्मा इसके लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही बिजली ने करिश्मा के शरीर को छुआ तो वो जोर से चिल्लाई, आह!
उसके शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था। करिश्मा की डिफेंसिव पावर भी रूहान जैसी ही थी, लेकिन विद्युत पहले भी करिश्मा से फाइट कर चुका था, इसलिए उसे करिश्मा के हर दांव पेच का अंदाजा था। वो जानता था कि करिश्मा कब और क्या कर सकती है। विद्युत की लाइटनिंग फायर गॉड आई टेक्निक बड़ी ही आसानी से करिश्मा की बर्फ की ताकत का सामना कर सकती थी। एक तरफ करिश्मा दर्द से चिल्ला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ करिश्मा के चिल्लाने की आवाज सुनकर रूहान ने एक गहरी सांस ली। उसे करिश्मा के लिए बुरा तो लग रहा था, पर अब उसका डर कहीं गायब हो चुका था। शुरुआत में उसे लगा था कि विद्युत अपनी लाइटनिंग फायर गॉड आई टेक्निक से उस पर हमला करने वाला है। अगर विद्युत ने ऐसा किया होता तो रूहान कभी चल नहीं पाता। इसने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया, रूहान ने मन ही मन सोचते हुए कहा। तभी सबने देखा कि करिश्मा विद्युत के अटैक की वजह से तड़प रही है। उसका शरीर आग में झुलसने लगा था। नदी के किनारे इस वक्त बहुत ही शोर शराबा था। विद्युत की ताकत देखने के बाद वहां मौजूद छोटे मोटे जानवर भी अपनी जान बचाकर भाग गए थे। अब विद्युत रूहान और करिश्मा जैसे ताकतवर प्लेयर्स पर भारी पड़ने लगा था। करिश्मा के खूबसूरत शरीर पर जलने के निशान उभर आए थे। इसके साथ ही उसके लंबे बाल भी आंख की तपन की वजह से झुलसने लगे थे। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब थी। अचानक ऑडियंस में मौजूद एक प्लेयर जोर जोर से हंसने लगा। ये विद्युत तो बहुत ही चालाक है, एक प्लेयर खुश होते हुए बोला। सब लोग विद्युत को फाइट करता हुआ देखकर बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। करिश्मा को भी लगा था कि विद्युत अपनी लाइटनिंग फायर गॉड आई टेक्निक से उस पर नहीं बल्कि रूहान पर अटैक करेगा, लेकिन विद्युत ने पल भर में सबको हैरान कर दिया था। अब सबको लगने लगा था कि विद्युत अतुल को भी टक्कर दे सकता है। विद्युत की लाइटनिंग फायर गॉड आई टेक्निक की वजह से करिश्मा को गहरी चोट आई थी। करिश्मा रूहान की हालत देखकर विद्युत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन रूहान उसकी हालत देखकर खुद को इधर उधर छुपाने की कोशिश में लगा हुआ था। ये देखकर करिश्मा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब ही कहीं का, करिश्मा अपने दांत मिसमिसाते हुए बोली। तभी उसने अपनी मेंटल एनर्जी की मदद से रूहान से बात करना शुरू कर दिया। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, हम एक साथ मिलकर इसका सामना करेंगे, करिश्मा ने कहा। जैसे ही रूहान को उसकी धीमी सी आवाज सुनाई दी तो रूहान ने कहा, मैं हार मानता हूं, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अब उसमें विद्युत से फाइट करने की ताकत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो तो विद्युत का शुक्रगुजार था कि उसने उसे बख्श दिया है, वरना वो फ्यूचर में कभी किसी से फाइट करने लायक नहीं रहता। रूहान ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे, जिसकी वजह से अब मैदान में सिर्फ करिश्मा और विद्युत ही बचे थे। करिश्मा को अकेले विद्युत का सामना करना था। करिश्मा के पास सिर्फ बर्फ की ताकत थी और विद्युत के पास बिजली और बर्फ दोनों की ही ताकत थी। एक बार फिर नदी के किनारे विद्युत और करिश्मा का आमना सामना हुआ। आसपास तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बिजली कड़कने की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी थी। पहले इसने मेरी छोटी बहन को हराया और फिर बड़ी ही चालाकी से हमारी बर्फ की ताकत से जुड़ी टेक्निक को कॉपी कर लिया, करिश्मा नफरत भरी नजरों से विद्युत को देखते हुए बोली। पलक झपकते ही उसने अपनी बर्फ की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। करिश्मा अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर रही है, इससे इसकी डिफेंसिव पावर और स्पीड बढ़ जाएगी, विद्युत ने मन ही मन सोचते हुए कहा। करिश्मा की बढ़ती हुई ताकत को देखकर विद्युत थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि विद्युत की तरह ही करिश्मा ने भी अपनी ताकत को सबसे छुपाया हुआ था। पलक झपकते ही करिश्मा के शरीर का तापमान पहले जैसा हो गया। उसके शरीर पर आए चोट के घाव भी धीरे धीरे भरने लगे थे। सिर्फ विद्युत के मेंटल एनर्जी अटैक की वजह से उसके दिमाग पर आई चोट जल्द ठीक नहीं हो सकती थी। न जाने अब क्या होगा, करिश्मा की ब्लड लाइन पावर बहुत ताकतवर है, एकांश ने कहा। वो नदी के किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। जब विद्युत ने रूहान को हराया तो एकांश का चेहरा देखने लायक था। उसे विद्युत की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। शुरुआत में उसे लग रहा था कि विद्युत को अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए, लेकिन विद्युत की ताकत देखकर वो समझ चुका था कि वो आसानी से करिश्मा का सामना कर लेगा। अगर करिश्मा और रूहान एक साथ मिल गए तो ये दोनों मुझ पर भारी पड़ सकते हैं, विद्युत ने मन ही मन सोचते हुए कहा। करिश्मा की बर्फ की ताकत और रूहान की गुरुत्वाकर्षण की ताकत एक साथ मिलकर
ट्रू लॉर्ड रैंक पर मौजूद प्लेयर को भी मात दे सकती थी। अगर वो दोनों एक साथ किसी पर अटैक करे तो ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन में मौजूद कोई भी उन दोनों की ताकत का सामना नहीं कर सकता था। करिश्मा की ताकत बढ़ने के साथ साथ उसके आसपास का एरिया धीरे धीरे बर्फ में तब्दील होने लगा था। तूफानी हवाओं ने विद्युत को घेर लिया था। जो भी करिश्मा के रास्ते में आया वो बर्फ की परत से ढक गया। जमीन, आसपास के पेड़ पौधे सब बर्फ की परत से जमने लगे थे। अगर विद्युत के पास भी अनोखी ब्लडलाइन पावर ना होती तो वो करिश्मा का सामना कभी नहीं कर पाता। विद्युत ने भी अपनी बर्फ की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते उसके पीछे आदमी की आकृति उभर आई। एक्सट्रीम नॉर्थ मैजेस्टिक आइस विंड टेक्निक, करिश्मा ने कहा। उसने जैसे ही इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए विद्युत पर अटैक किया तो विद्युत के पीछे खड़े बर्फ के आदमी ने करिश्मा के अटैक के असर को झेल लिया ताकि विद्युत को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैजेस्टिक आइस डेमोन्स माउंटेन, करिश्मा चिल्लाते हुए बोली। देखते ही देखते उसके हाथों के आसपास बर्फ की एक परत जम गई। बर्फ की बड़ी बड़ी नुकीली चट्टाने विद्युत की तरफ बढ़ रही थी। आखिर ये करना क्या चाहती है, विद्युत ने मन ही मन सोचते हुए कहा। विद्युत ने अपनी बिजली की ताकत का इस्तेमाल किया और उन नुकीली चट्टानों पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो चट्टान पलक झपकते ही चूर चूर हो गई। इस बार विद्युत को करिश्मा का सामना करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। करिश्मा लगातार विद्युत पर बर्फ के अटैक्स कर रही थी। दूसरी तरफ विद्युत के पीछे खड़ी आकृति उसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी। करिश्मा का अटैक बहुत ताकतवर है, पर मेरी शक्तियों और ताकत के साथ मैं इसका सामना कर सकता हूँ, विद्युत सोचते हुए बोला। करिश्मा का अटैक किसी को भी बर्फ की मूर्ति में बदल सकता था, लेकिन विद्युत पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। अब सबको लगने लगा था कि बेचारी करिश्मा बेवजह ही अपनी ताकत को जाया कर रही है। करिश्मा धीरे धीरे विद्युत के नजदीक आने लगी थी। उसके शरीर के इर्द गिर्द नीले रंग की रोशनी उभर आई थी, लेकिन फिर भी विद्युत बिल्कुल शांत लग रहा था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वो दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर अटैक करने लगे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बिजली के कड़कने की आवाजें सुनाई दे रही थी। करिश्मा नजदीक से विद्युत पर अटैक करके उसे हरा नहीं सकती थी, और विद्युत अपनी ब्लड लाइन पावर के सहारे करिश्मा का सामना आसानी से कर पा रहा था। लाइटिंग फायर गॉड आई टेक्निक, विद्युत ने कहा। विद्युत ने लाइटनिंग फायर गॉड आई टेक्निक से करिश्मा पर अटैक तो किया था, पर करिश्मा की बिजली की ताकत की वजह से उसके अटैक का असर कमजोर पड़ता जा रहा था। विद्युत अपनी इस टेक्निक से करिश्मा को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें मैं करिश्मा को हरा सकूं, विद्युत ने मन ही मन में सोचते हुए कहा। वो करिश्मा के अटैक्स में खामी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लाइटनिंग आइज मैजेस्टिक फ्लावर टेक्निक, विद्युत ने कहा। देखते ही देखते विद्युत ने बिजली और बर्फ की ताकत से जैसे ही करिश्मा पर हमला किया तो एक तेज रोशनी करिश्मा की तरफ बढ़ने लगी। अचानक विद्युत का वार देखकर करिश्मा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उस तेज रोशनी ने करिश्मा के कंधे को छुआ और वो जोर से चिल्लाई। करिश्मा के पूरे शरीर में सिर्फ उसका बायां कंधा ही था जिस पर विद्युत के अटैक का असर हुआ था। ये देखकर विद्युत मुस्कुराने लगा। मैंने करिश्मा में खामी ढूंढ ली, विद्युत मन ही मन बोला। इसके बाद वो करिश्मा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। वो नजदीक से करिश्मा के कंधे पर पंच मारने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने करिश्मा को छुआ तो उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ये सब इसकी चाल है, विद्युत ने हैरान होते हुए कहा। करिश्मा इस वक्त धीमे से मुस्कुरा रही थी। विद्युत उसके बनाए जाल में फंस चुका था। करिश्मा ने बहुत ही सोच समझकर अपने प्लान को अंजाम दिया था। इससे पहले कि विद्युत कुछ कर पाता, उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। उसके हाथ पैर जकड़ने लगे थे। करिश्मा ने विद्युत का हाथ पकड़ा और अचानक उसे गले से लगा लिया। ये सब देखकर वहां मौजूद ऑडियंस दंग रह गई। बेचारा विद्युत करिश्मा के जाल में फंस गया, बर्फ की रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। करिश्मा ने विद्युत को कसकर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से विद्युत उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने में नाकाम रहा।
क्योंकि उसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। इसके अलावा करिश्मा के नजदीक आने पर विद्युत को ठंड महसूस होने लगी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और हाथ पैर कांप उठे। पलक झपकते ही विद्युत के शरीर के आसपास बर्फ की एक परत उभर आई। आखिर मैं इसकी जाल में कैसे फंस गया, विद्युत मन ही मन सोचते हुए बोला। करिश्मा के शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था। न जाने अब आगे क्या होगा। क्या विद्युत खुद को बचाने में कामयाब हो पाएगा? क्या करिश्मा विद्युत को जान से मार देगी? क्या वो तीसरे राउंड तक नहीं पहुंच पाएगा? क्या शिवन्या महावीर योद्धा के मुकाम पर पहुंच पाएगी? क्या है इन सब सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें महामानव विद्युत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विद्युत करिश्मा के बिछाए जाल में फंस चुका था। करिश्मा उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मेरी बहन के साथ जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, करिश्मा धीमी आवाज में बोली। वो ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि विद्युत को बर्फ की मूर्ति में बदल सके। वो विद्युत पर अटैक नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए विद्युत को अपने झांसे में फंसा लिया था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। तभी रूहान को नदी के पास रोशनी नजर आई। वो रोशनी सुरंग से आ रही थी। शिवन्या ने कर दिखाया, एकांश खुश होते हुए बोला। शिवन्या एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। शिवन्या जैसे ही महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंची तो सबको आसमान में विरासत दिखाई देने लगी। प्लेयर्स को ध्यान से देखने पर आसमान में बर्फ से बना एक खूबसूरत महल नजर आया। ये तो बर्फ की विरासत है, बर्फ की रानी ने खुश होते हुए कहा। इस बार कंपटीशन में प्लेयर्स को बर्फ की विरासत दिखाई दी थी, जो कि कोई आम बात नहीं थी। अक्सर इस विरासत को सिर्फ और सिर्फ बर्फ के महल में जाने के बाद ही हासिल किया जाता है। बर्फ की विरासत चार ताकतवर विरासतों में से एक है, एक प्लेयर ने चमकती हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा। जिन प्लेयर्स को पहले से बर्फ की विरासत हासिल है वो सचमुच बहुत लकी है, दूसरा प्लेयर थोड़ा मायूस होते हुए बोला। चार ताकतवर विरासतों में से एक होने की वजह से बर्फ की विरासत अक्सर कई सालों के बाद ही दिखाई देती थी। इस बार ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन में प्लेयर्स को उम्मीद से ज्यादा विरासतें देखने को मिल रही थी। चार ताकतवर विरासतों में से निर्जर विरासत दूसरी खास विरासत में से एक थी। बर्फ की विरासत चार विरासतों में से दूसरे नंबर पर आती है, एक जज ने कहा। लगता है इस बार ये विरासत दोबारा करिश्मा को मिलने वाली है, इसे पाकर करिश्मा और भी ताकतवर हो जाएगी, एक प्लेयर बोला। क्या पता ये विरासत विद्युत को मिल जाए, उसकी ब्लडलाइन पावर अनोखी है और तो और उसे भी बर्फ को काबू में करना अच्छे से आता है, दूसरे प्लेयर ने कहा। फिलहाल विरासत को देखने के बाद सबके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन विरासत हर बार कंपटीशन के आखिर में ही मिलती थी। इस बार ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कंपटीशन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जजेस भी चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी उसकी नजर शिवन्या पर पड़ी। हेवंस एकेडमी के मेन हेड की नजरें भी शिवन्या पर ही टिकी हुई थी। उनके लिए बर्फ की विरासत से ज्यादा जरूरी इस वक्त शिवन्या थी, क्योंकि वो अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। स्टेज पर मौजूद बूढ़ा जज भी हेवंस एकेडमी से जुड़ा हुआ था। उसने अब तक सबसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया हुआ था, जो एकेडमी के हेड और उसके अलावा कोई नहीं जानता था। ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन में बूढ़े जज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हरे कपड़े पहने हुए जज मुस्कुराते हुए बोली। लगता है आप शिवन्या को जानते हैं, शिवन्या की ब्लड लाइन पावर विद्युत की तरह ही अनोखी है, और तो और वो कंपटीशन के दौरान ही महावीर योद्धा बन चुकी है, ये सुनने के बाद दूसरे जज ने कहा। मुझे भी लगता है कि आगे चलकर शिवन्या हेवंस एकेडमी का नाम रोशन करेगी, ये सुनकर एक जज ने कहा। शिवन्या की ब्लड लाइन पावर अनोखी है, लगता है विद्युत के बाद ये भी हुबली शहर के पांच ताकतवर प्लेयर्स को टक्कर दे सकती है, लेकिन शिवन्या इतनी जल्दी महावीर योद्धा के लेवल पर कैसे पहुंच गई, एक जज ने कहा। कुछ लोग शिवन्या की तारीफ कर रहे थे तो वहीं कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि शिवन्या में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। शिवन्या अब भी नदी के नीचे ही थी, पर उसके शरीर से आती हुई रोशनी से
जजेस जान चुके थे कि वो एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। उसके शरीर के इर्द गिर्द रंग बिरंगी रोशनी उभर आई थी। वो रोशनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इंद्रधनुष को आसमान से जमीन पर उतार दिया गया हो। सुरंग में शिवन्या भी बहुत खुश लग रही थी, लेकिन तभी ये सब देखकर उसे अपने दादाजी की याद आने लगी। शिवन्या को आगे बढ़ता हुआ देखकर सब लोग खुश थे, लेकिन दिग्विजय के चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं थे। वो शिवन्या के महावीर योद्धा बनने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहां दूसरी तरफ करिश्मा ने अब भी विद्युत को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। देखते हैं तुम कब तक जिंदा रह पाते हो, करिश्मा विद्युत के कान में फुसफुसाते हुए बोली। वो विद्युत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और ठंड बढ़ती ही चली गई। करिश्मा अब भी अपनी बर्फ की ताकत से विद्युत पर अटैक कर रही थी। भले ही विद्युत का शरीर जम चुका है, पर उसका दिमाग अब भी काम कर रहा है, एकांश ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। एकांश को समझ नहीं आ रहा था कि विद्युत की मदद कैसे करे। उसके मन में कई सवाल थे। क्या उसे विद्युत को बचाने के लिए करिश्मा पर अटैक करना चाहिए? लेकिन अगर इस दौरान शिवन्या को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? विद्युत ने उसे शिवन्या को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। तभी एकांश के साथी ने कहा, एकांश, हमारे बीच हुआ समझौता विद्युत को प्रोटेक्ट करने का था और हम वो काम पहले ही कर चुके हैं। विद्युत जब तक सुरंग के अंदर था तब तक हमने उसे प्रोटेक्ट किया। मुझे नहीं लगता कि अब हमें उसे दूसरे प्लेयर से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। करिश्मा की बर्फ की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि विद्युत के नजदीक जाने पर हम भी बर्फ की मूर्ति में बदल सकते हैं। अपने साथी की बात सुनने के बाद एकांश ने मायूस होते हुए हां में अपना सिर हिला दिया। करिश्मा ने अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर लिया था। वो आसानी से महावीर योद्धा के लेवल पर मौजूद प्लेयर्स को बर्फ की मूर्ति में बदल सकती थी। शिवन्या एकांश की अकेडमी का हिस्सा थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो लोग विद्युत की मदद करने के बजाय शिवन्या को प्रोटेक्ट करेंगे। तुम मुझे पूरी तरह बर्फ की मूर्ति में बदलना चाहती हो? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, विद्युत ने मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए करिश्मा से कहा। भले ही विद्युत का शरीर बर्फ की मूर्ति में बदल चुका था, पर उसका दिमागी संतुलन अब भी उसके काबू में था। विद्युत का मेंटल एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से करिश्मा की बर्फ की ताकत का उस पर असर नहीं हुआ। विद्युत इस वक्त अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल कर रहा था। विद्युत के शरीर का तापमान उसकी बिजली की ताकत की वजह से बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो बर्फ को इतनी आसानी से पिघला नहीं सकता था। विद्युत ने भी कर्णवीर की तरह ही अपनी ब्लड लाइन पावर और इनर स्ट्रेंथ को उसके हायर लेवल पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये देखकर करिश्मा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे। विद्युत अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, एक प्लेयर ने कहा। रुहान भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। इसके अलावा दूर पेड़ के पीछे छुपे हुए अगस्त्य की नजरें भी विद्युत और करिश्मा पर ही टिकी हुई थी। ऐसे ही आपस में लड़ते रहो, जब तुम लोगों की सारी ताकत खत्म हो जाएगी तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, अगस्त्य ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। विद्युत बड़ी ही बहादुरी से करिश्मा के अटैक का सामना कर रहा था। देखते ही देखते करीब एक घंटा बीत गया, लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी। बेशक करिश्मा हुबली शहर की पांचवी ताकतवर प्लेयर बनने के काबिल थी, इसने बड़ी ही चालाकी से मुझे अपने जाल में फंसा लिया, विद्युत ने मन ही मन सोचते हुए कहा। विद्युत जैसा समझदार प्लेयर करिश्मा के झांसे में आ चुका था। विद्युत ने कुछ वक्त के लिए ही अपनी ब्लड लाइन पावर और इनर स्ट्रेंथ का हायर लेवल पर इस्तेमाल किया था। वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यहां दूसरी तरफ एकांश के साथी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम विद्युत को किया वादा तोड़ना नहीं चाहते तो क्या हम शिवन्या की मदद ले सकते हैं? शायद वो विद्युत को बचाने में हमारी कुछ मदद कर सके। नहीं, वो अभी अभी महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंची है, वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी, एकांश ने कहा। कॉम्पिटिशन में ज्यादातर प्लेयर्स का ध्यान इस वक्त विद्युत और करिश्मा पर था, लेकिन वो लोग अतुल को भूल नहीं सकते थे। अतुल इस वक्त एक बड़ी सी गुफा में पहुंच चुका था। क्या तुम ही हो गौरव? अतुल ने अपने सामने मौजूद पत्थर पर बैठे एक प्लेयर की तरफ देखते हुए कहा। अतुल को देखने के बाद गौरव ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा सामना करने के लायक नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा ताकतवर प्लेयर के पास होना चाहिए। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, अतुल ने कहा।
जहां तक मुझे लगता है ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन में तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता, गौरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। गौरव की बातें सुनने के बाद अतुल को ऐसा लगा मानो गौरव के अंदर इंसान को परखने की क्षमता है। वो जान चुका था कि गौरव क्या कहना चाहता है, लेकिन अतुल विद्युत के कहने पर यहाँ आया था। वो अपनी मेहनत को जाया नहीं करना चाहता था। अब मैं यहाँ तक पहुंच ही गया हूँ तो तुम्हारा टोकन लेकर ही जाऊंगा, अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर गौरव अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तुम मुझसे फाइट किए बिना ही मुझे अपना टोकन क्यों नहीं दे देते, अतुल ने आगे कहा। तभी गौरव ने मायूस होते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गौरव ने इस कंपटीशन में हिस्सा विरासत हासिल करने के लिए लिया था। वो अच्छी तरह से जानता था कि जिस भी प्लेयर के पास सबसे ज्यादा बैटल पॉइंट्स होंगे उसे आखिर में मन चाही विरासत चुनने का मौका मिलेगा। वो अब तक किसी भी प्लेयर से हारा नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि उसने तो ताकतवर ब्लड लाइन पावर वाली फैमिली के प्लेयर्स को भी मात दी थी। गौरव का मानना था कि वो अतुल का सामना नहीं कर पाएगा, वो उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन अतुल गौरव को एक नजर देखते ही पहचान गया था। वो जान गया था कि गौरव उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। अतुल शुरुआत से लेकर अब तक ताकतवर प्लेयर्स को ढूंढ रहा था। उसे कमजोर प्लेयर्स के साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा था। वो जिस भी प्लेयर के पास फाइट करने जाता वो पहले बिना फाइट किए हार मानकर उसे अपना टोकन दे देते थे, जिसकी वजह से अतुल को कंपटीशन में मजा नहीं आ रहा था। अगर तुम मुझे अपना टोकन नहीं देना चाहते तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा टोकन लेकर रहूंगा, अतुल ने रौबदार आवाज में कहा। गौरव के पास अतुल के साथ फाइट करने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। जजेस ने जैसे ही ये नजारा देखा तो उनका ध्यान विद्युत और करिश्मा से हटकर गौरव और अतुल की तरफ खींचा चला गया। गौरव भी विद्युत की तरह ही एक ताकतवर प्लेयर था। वो शुरुआत से लेकर अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म करता आया था। तभी एक जज ने कहा, अतुल का मेंटल एनर्जी लेवल ट्रू लॉर्ड रैंक पर मौजूद प्लेयर जितना है, लेकिन गौरव भी कुछ कम नहीं है। वो शुरुआत से लेकर अब तक सभी प्लेयर्स को मात देता आया है। क्या पता उसने अभी विद्युत और करिश्मा की तरह अपनी ताकत को सबसे छुपा कर रखा हो। इन दोनों की फाइट देखने में मजा आने वाला है, जज ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तभी गुफा में अतुल ने गौरव पर अटैक कर दिया। जजेस के साथ साथ आधी ऑडियंस भी इस वक्त अतुल और गौरव की तरफ ही देख रही थी। तभी सबने देखा कि अतुल ने गौरव पर अटैक कर दिया है। अनपैरेलल्ड अंडर द हेवंस टेक्निक, अतुल ने कहा। उसके इतना कहते ही एक तेज रोशनी गौरव की तरफ बढ़ने लगी। उसके अटैक से वो महावीर योद्धा के लेवल पर मौजूद प्लेयर्स पर आसानी से दबाव बना सकता था। अतुल को अटैक करता हुआ देखकर गौरव ने भी अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिमिटलेस पाम टेक्निक, गौरव ने कहा। वो अब भी एक हाथ से ही फाइट करने वाला था। उसने अपना एक हाथ हवा में उठाया तो अचानक आसपास तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते गौरव ने अपने इर्द गिर्द एक घेरा तैयार कर लिया, जिसकी वजह से अतुल के अटैक की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। न जाने अब आगे क्या होगा। क्या गौरव अतुल का सामना कर पाएगा? क्या वो अतुल से हार मानकर उसे अपना टोकन दे देगा? क्या विद्युत करिश्मा के जाल से बाहर निकल पाएगा? क्या वो अगले राउंड तक पहुंच पाएगा? क्या होगा दिग्गज प्लेयर्स की फाइट का अंजाम? न जाने कौन सा नया मोड़ लेगी विद्युत की जिंदगी। क्या है इन सब सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें महामानव विद्युत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अतुल और गौरव एक दूसरे का डटकर मुकाबला करने वाले थे। अतुल ने पहले वार करते हुए गौरव पर अपनी सबसे दमदार टेक्निक से अटैक किया था। सबको लगा था कि उन दोनों की ताकत आपस में टकराने की वजह से वहां एक जोरदार धमाका होगा, लेकिन गौरव के तैयार किए गए घेरे की वजह से अतुल के अटैक की ताकत कम पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो गौरव किसी अकेडमी का मेन हेड हो जो बड़े ही आराम से खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट पर अटैक कर रहा हो। अतुल के सामने गौरव उसका सीनियर लग रहा था। भले ही गौरव के पास कोई पावर नहीं थी, ना ही उसके पास कोई खास टैलेंट था जिसके सहारे वो अतुल का सामना कर सके, पर फिर भी सबको ऐसा लग रहा था कि वो अतुल का सामना करने के काबिल है। अतुल, तुमसे फाइट करने में मजा आने वाला है, गौरव धीमे से मुस्कुराते हुए बोला। अब अतुल गौरव पर दूर से अटैक नहीं बल्कि उसके नजदीक जाकर अटैक करने वाला था।
उसने जैसे ही गौरव को नजदीक जाकर जोरदार पंच मारा तो गौरव ने बड़ी आसानी से अपने एक हाथ की मदद से उसके अटैक को झेल लिया। कुछ ही सेकंड में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर करीब 10 से भी ज्यादा अटैक्स कर चुके थे। अतुल की ताकत हर अटैक के साथ बढ़ती चली जा रही थी। गौरव को अब उसके अटैक्स का सामना करने में धीरे धीरे मुश्किल होने लगी थी। अतुल हमेशा से जीतता आया था, उसे हारने की आदत नहीं थी। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मसल कर रख देता था। कहीं ना कहीं अतुल के साथ फाइट करते हुए गौरव भी जान चुका था कि अतुल अब तक सबसे जीतता क्यों आया था। उसने धीरे धीरे खुद में बदलाव लाने की कोशिश की। वो दोनों नीडर होकर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उन दोनों की फाइट देखकर बहुत से प्लेयर्स की सांसें थम सी गई थी। स्विचिंग द स्टार्स टेक्निक, गौरव ने कहा। गौरव ने एक बार फिर अपनी डिफेंसिव टेक्निक को बदल दिया था। वो अतुल के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उस पर वार कर रहा था। मुझे पहली बार किसी प्लेयर के साथ फाइट करने में इतना मजा आ रहा है, अतुल ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी गौरव ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही अतुल के पेट पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे अतुल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अब गौरव की ताकत का अंदाजा हो चुका था। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ, अतुल ने गुस्से से कहा। इसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और गौरव पर अटैक करने लगा। धीरे धीरे गौरव को खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा था, लेकिन गौरव बड़ी ही बहादुरी से अतुल के हर अटैक को झेल रहा था। स्टेज पर मौजूद जजेस का ध्यान गौरव की तरफ ज्यादा था, क्योंकि वो अपने एक हाथ के सहारे हुबली शहर के नंबर वन प्लेयर का सामना कर रहा था। शुरुआत में सबको लग रहा था कि गौरव फिलहाल शूरवीर योद्धा के लेवल पर ही पहुंचा है, पर अतुल के साथ फाइट के दौरान उसकी असली ताकत दिखाई देने लगी थी। वो असल में शूरवीर योद्धा नहीं बल्कि महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका था। न जाने ये विद्युत की तरह और क्या क्या छुपा रहा है, एक जज ने मुस्कुराते हुए कहा। देखकर तो लग रहा है मानो ये महावीर योद्धा के लेवल से भी आगे बढ़ चुका हो, दूसरा जज गौरव को घूरते हुए बोला। सबको लग रहा था कि गौरव महावीर योद्धा के लेवल पर ही नहीं बल्कि वो तो महागुणी योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका है। उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी ताकत को सबसे छुपा कर रखा हुआ था, पर न जाने जजेस का ऐसा सोचना सही था या गलत। यहाँ दूसरी तरफ नदी के किनारे नदी का पानी अब धीरे धीरे जमने लगा था। वहां की जमीन बर्फ के मैदान के रूप में बदल चुकी थी। एक घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था। करिश्मा अब भी विद्युत को अपनी बाहों में जकड़े हुए थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ वो विद्युत की क्षमता को देखकर हैरान थी। विद्युत एक घंटे से अपनी ब्लड लाइन पावर और इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा रहा था। विद्युत ने अपनी ब्लड लाइन पावर और शक्तियों की मदद से धीरे धीरे करिश्मा की बर्फ की ताकत को सोखना शुरू कर दिया था। तभी सबको रंग बिरंगी रोशनी नजर आई। अचानक एक खूबसूरत प्लेयर करिश्मा के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही वो प्लेयर नदी से बाहर आई तो सब हैरान रह गए। शिवन्या, एकांश हैरान होते हुए बोला। शिवन्या ने जब विद्युत और करिश्मा को एक दूसरे के इतना नजदीक देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे करिश्मा पर गुस्सा आने लगा था। विद्युत को जाने दो, शिवन्या ने एक रौबदार आवाज में कहा। उसने जैसे ही विद्युत को मुश्किल में देखा तो वो पूरी रफ्तार के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसके आसपास मौजूद रंग बिरंगी रोशनी हवा में अपनी छाप छोड़ती चली जा रही थी। शिवन्या को देखने के बाद कोई भी उससे अपनी नजरें हटा नहीं पाया। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब करिश्मा ने शिवन्या को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा वो धीरे धीरे अपने शरीर का तापमान बढ़ाने लगी। करिश्मा को शिवन्या के आने की खबर लग चुकी थी, इसलिए उसने फौरन अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो शिवन्या को भी बर्फ की मूर्ति में बदलना चाह रही थी। एकांश और उसका साथी बर्फ की मूर्ति नहीं बनना चाहते थे। शिवन्या रुको, ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, अचानक एकांश चिल्लाते हुए बोला। उसे शिवन्या की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो शिवन्या को रोक नहीं पाया। अगर रफ्तार की बात की जाए तो अब शिवन्या की रफ्तार एकांश से भी ज्यादा थी। वो जैसे जैसे विद्युत की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसे ठंड महसूस होने लगी थी, लेकिन शिवन्या की ब्लड लाइन पावर अनोखी थी जिसकी वजह से उस पर बर्फीली हवाओं का असर नहीं हो रहा था। उसके शरीर के इर्द गिर्द छाई रंग बिरंगी रोशनी ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो वो महावीर योद्धा के लेवल पर नहीं बल्कि ट्रू लॉर्ड रैंक पर पहुंच चुकी हो। एकांश और उसका साथी मायूस होते हुए शिवन्या को विद्युत की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे थे। अचानक शिवन्या ने हवा में अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से निकलती हुई रोशनी विद्युत की बर्फ की मूर्ति की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे विद्युत के शरीर पर छाई बर्फ की पहली परत चूर चूर होकर बिखर गई। शिवन्या की ताकत तो देखो, अचानक एकांश ने कहा। शिवन्या अभी सिर्फ महावीर योद्धा के शुरुआती लेवल्स पर पहुंची थी, पर फिर भी उसका अटैक इतना दमदार था कि ट्रू लॉर्ड रैंक पर मौजूद प्लेयर्स भी उसे देखकर हैरान रह गए थे। तुम मेरी ताकत का सामना नहीं कर पाओगी, करिश्मा ने गुस्से से कहा। उसने एक बार फिर अपनी बर्फ की ताकत का इस्तेमाल किया और दोबारा विद्युत के शरीर के इर्द गिर्द बर्फ की परत तैयार होने लगी। इसके साथ साथ करिश्मा ने शिवन्या पर भी अटैक कर दिया।
ठंडी हवाओं के तेज झोंके ने शिवन्या को घेर लिया था, लेकिन शिवन्या भी कुछ कम नहीं थी। उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उन तूफानी हवाओं का सामना किया। अब शिवन्या 5 ताकतवर प्लेयर्स में से करिश्मा की जगह ले सकती थी। ये हुबली शहर के प्लेयर्स को कड़ी टक्कर दे सकती है, करिश्मा ने मन ही मन सोचते हुए कहा। शिवन्या ने आकर करिश्मा का ध्यान भटका दिया था, जिस वजह से विद्युत को खुद को बर्फ से बाहर निकालने का मौका मिल गया। उसने अपनी ब्लड लाइन पावर और इनर स्ट्रेंथ का फौरन पीक लेवल पर इस्तेमाल किया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही बर्फ की परत चटकने लगी तो विद्युत ने अपनी बिजली की ताकत का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मजेस्टिक लाइटनिंग एक्सप्लोजन टेक्निक, विद्युत ने कहा। इतना कहते ही उसके शरीर पर छाई बर्फ चूर चूर होकर जमीन पर बिखर गई। अब विद्युत और शिवन्या साथ मिलकर करिश्मा का सामना करने वाले थे। शिवन्या किसी भी हालत में विद्युत को अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। प्लेयर्स को दूर दूर तक बर्फ में पड़ती हुई दरारों की आवाज सुनाई दे रही थी। बर्फ के टूटने पर उसके कुछ नुकीले कणों ने करिश्मा के शरीर को छुआ, जिसकी वजह से करिश्मा को उसके शरीर पर गहरे घाव झेलने पड़े। उसका शरीर धीरे धीरे सुन पड़ने लगा था। अचानक वहां एक तेज धमाका हुआ। तेज धमाके की वजह से करिश्मा की पकड़ ढीली पड़ गई और वो दूर जमीन पर जा गिरी। उसके होंठों से खून निकलने लगा था। मेरी मजेस्टिक लाइटनिंग एक्सप्लोजन टेक्निक तो कमाल की है, विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा। विद्युत ने अपनी बिजली की ताकत और काली शक्तियों की किताब की एक टेक्निक को आपस में जोड़ दिया था। ऑडियंस ही नहीं बल्कि अब तो रूहान और अगस्त जैसे प्लेयर्स भी विद्युत की ताकत देखकर हैरान रह गए थे। अपनी ब्लड लाइन पावर और इनर स्ट्रेंथ को हाई लेवल पर इस्तेमाल करने की वजह से विद्युत को भी गहरी चोट आई थी। विद्युत, क्या तुम ठीक हो? अचानक शिवन्या उसके नजदीक आई और बोली। शिवन्या ने आसपास जमी बर्फ को विद्युत के शरीर से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। विद्युत, अब हम एक साथ मिलकर इसका सामना करेंगे, शिवन्या ने कहा। शिवन्या, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, वरना, विद्युत ने कहा। इसके बाद वो दोनों करिश्मा को घूरते हुए देखने लगे। लगता है अब करिश्मा की खैर नहीं, ऑडियंस में मौजूद एक प्लेयर ने कहा। ऑडियंस में कुछ प्लेयर्स विद्युत को पसंद करते थे तो वही कुछ प्लेयर्स को करिश्मा पसंद थी। सब लोग ध्यान से मैदान की तरफ ही देख रहे थे। लाइटनिंग फायर गॉड आई टेक्निक, विद्युत बोला। विद्युत ने देर किए बिना करिश्मा पर अटैक कर दिया। विद्युत के अटैक की वजह से करिश्मा के शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कोई मुझे बचाओ, करिश्मा चिल्लाते हुए बोली। एक बार फिर उसके शरीर के आसपास आग की लपटें नजर आने लगी थी। वो आग की लपटों से घिर गई। करिश्मा को अब सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी। शुरुआत से लेकर अब तक करिश्मा ने विद्युत को जान से मारने का हर एक पैंतरा आजमा लिया था, लेकिन अफसोस शायद आज उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। विद्युत की मदद करने के लिए मैदान में शिवन्या पहुंच चुकी थी। अब विद्युत अकेला नहीं था, वो दोनों मिलकर करिश्मा का सामना कर सकते थे। फिलहाल करिश्मा को अपने ही हमले में जमा की गई बर्फ की परत की वजह से नुकसान झेलना पड़ा था। इसके साथ ही उसका सारा शरीर आग में झुलसने लगा था। उसके बाल भी गर्मी की वजह से झुलस चुके थे। इसके साथ ही नुकीली बर्फ उसकी कोमल त्वचा में धंस चुकी थी। करिश्मा के हाथ पैर और खूबसूरत चेहरे पर भी बर्फ से कटने के निशान पड़ चुके थे। करिश्मा ने जैसे ही विद्युत और शिवन्या को एक साथ देखा तो वो थोड़ा घबरा गई और मन ही मन बोली, मुझे लगता है कि ये दोनों ही हुबली शहर के प्लेयर्स को टक्कर दे सकते हैं। इस वक्त मेरा यहाँ से भागना ही सही रहेगा। विद्युत, तुम्हें बाद में देख लूंगी। इतना कहने के बाद करिश्मा अपनी पूरी रफ्तार के साथ वहां से कहीं गायब हो गई। विद्युत अपनी आंखों की शक्तियों से उसे आसानी से देख पा रहा था, लेकिन उसने करिश्मा को रोकने की कोशिश नहीं की। करिश्मा से फाइट के दौरान विद्युत को महसूस हुआ कि वो महावीर योद्धा के पीक लेवल पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ शिवन्या भी अब महावीर योद्धा बन चुकी थी। इसे जाने दो, विद्युत ने कहा। विद्युत को अपनी कामयाबी की खुशी नहीं थी, वो तो शिवन्या को महावीर योद्धा बनता देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इतना ही नहीं बल्कि वो शिवन्या की ताकत देखकर हैरान था। वो फिलहाल सिर्फ महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंची थी, लेकिन वो अकेले ही आसानी से करिश्मा जैसी प्लेयर को टक्कर दे सकती थी। उसकी ताकत ट्रू लॉर्ड रैंक पर मौजूद प्लेयर्स जितनी बढ़ चुकी थी, जिसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी ब्लड लाइन पावर में कोई तो अनोखी बात जरूर थी। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। ऑडियंस ने जब उन दोनों को साथ देखा तो सब लोग जोर जोर से विद्युत और शिवन्या का नाम पुकारने लगे। विद्युत, शिवन्या, सबको विद्युत और शिवन्या की जोड़ी बहुत पसंद आ रही थी। ये दोनों एक साथ खड़े हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एक प्लेयर शिवन्या की खूबसूरती को निहारते हुए बोली। ये दोनों परफेक्ट कपल की तरह लग रहे हैं, ऑडियंस में मौजूद एक लड़की ने कहा। न जाने अब आगे क्या होगा। आखिर विद्युत को करिश्मा के इतना नजदीक देखकर शिवन्या को बुरा क्यों महसूस हुआ था? क्या विद्युत और शिवन्या परफेक्ट कपल बन सकते थे? क्या गौरव अतुल का सामना कर पाएगा? क्या वो अतुल से हार मानकर उसे अपना टोकन दे देगा? क्या विद्युत अगले राउंड तक पहुंच पाएगा? क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम? क्या है इन सब सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें।
महामानव विद्युत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।